हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो वॉशिंग मशीन की अपनी स्पिन मोटर हो चाहे वॉश मोटर हो, उसके अंदर जो रिवेट लगी हुई होती है, जो कंपनी जो है ये रिवेट लगा के देती है, उनको कैसे खोला जाता है, उसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो लास्ट बने रही वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके इन रिवेट को या रिपीट को कैसे निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। और तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ये स्पिन मोटर है सैमसंग की, जिसके अंदर अब हमें जो ये इसकी सर्विस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये मोटर जो है बहुत जाम चल रही है, जिस वजह से हमें इसकी सर्विस की जरूरत पड़ रही है। इसलिए हम इस रिपेयर को खोलना चाहते हैं और हम इसको अब खोलते हैं। तो सिंपली आपको दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा, आपको इसके अंदर एक रिपेयर की एक पंच की जरूरत होगी, जिसको कि यहां पर इस जगह पर हम रख करके और इधर से हथेड़ी की चोट मारेंगे, जिससे ये रिपेयर जो इससे दूसरी तरफ निकल जाए। इस तरह से आपको मैं आपको बता दूं उसमें आपको किस तरह। देखिए दोस्तों, आप तो या तो इस तरह का कोई भी एक ले सकते हैं पंच, या आपको इस तरह का पंच ले सकते हैं, या आप कोई भी इस तरह का एक पतला पंच ले सकते हैं। जैसा आपके अंदर इसकी रिपेयर की साइज हो, उस हिसाब से आप अलग अलग पंच ले सकते हैं। उसी तरह से मैं आप ये पंच लेके आपको निकालना सिखाऊंगा, उसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको रिपेयर निकालने की इस तरह के एक पंच और एक हथौड़ी की जरूरत होगी, जिसे हम इस जगह पर इसको जो है यहाँ पर इस जगह पर रखे, जो हम यहाँ पर हथौड़ी की चोट मारेंगे। चोट मारने से होगा क्या, ये रिपेयर जो हमारी दूसरी तरफ से बाहर की ओर निकल जाएगी, जिससे हम आसानी से जो है रिपेयर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको एक हथौड़ी की भी जरूरत होगी। आप चाहें तो अलग प्रकार की भी ये जो है पंच काम में ले सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो और जिस तरह से आपकी ये जो अंदर की जो इसकी रिपेयर की साइज हो, उस हिसाब से आप अलग अलग तरह की जो है ले सकते हैं। मैं इस तरह की लेने वाला हूं, जिससे क्या है आसानी जो है यहां पर चोट मारने से आसानी से बाहर आ जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है, आपको सबसे पहले ये जो रिपेयर का मुंह है आपको इस वाइस में इस तरह से रखना है, जिससे क्या है इसमें किसी प्रकार की चोट ना रखे, किसी प्रकार की कोई अड़ाव ना हो, या किसी प्रकार की नीचे ठोकर ना लगे। उस तरह से आपको जो है इसके नीचे रख देना है। रखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर हथौड़ी की जो है धीमे धीमे चोट मारनी है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से जो हमारी रिपेयर जो है बाहर आ चुकी है। आप भी इस तरह से आसानी से जो है सब रिपेयरों को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी अगर रिपेयर हो, तो आप आसानी से पंच की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं। ये एक मैंने निकाल दिया, दूसरी और मैं आपको निकाल के बताता हूँ। आपको सिंपल दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पर इस जगह पर आराम से नीचे टिकाव देना है, उसके बाद आपको जो है ये पंच ऊपर की और यहाँ पर ऐसे लगाना है और यहाँ से पकड़ना है। यहाँ से पकड़ने के बाद दोस्तों आपको ऊपर हथौड़ी की चोट मारना है। ये देखिए दोस्तों, आप ये सिंपली जो है आपके जो रिपेयर है वो आसानी से बाहर आ जाएगी। इससे आप आसानी से जो है कोई भी तरह की रिपेयर जो है बाहर निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि इसके अंदर कैसे हम जो है आसानी से इन रिपेयरों को जो है बाहर निकाल सकते हैं। आप भी आसानी से इन रिपेयरों को बाहर निकाल सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने और भी फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रिलेटेड और उसकी हीटर गीजर पाउडर और भी कई तरह की वीडियो अपलोड की है, आप उन वीडियो से फायदा उठा सकते हैं।